हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपटेक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DRDO MTS 2020 की जो वैकेंसी आई थी 1817 पोस्ट पर, उस पर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यानी कि कितने लोगों ने फॉर्म डाला है। साथ ही इसके बाद हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका कंपटीशन कितना हाई होने वाला है, एक सीट पर कितने बच्चे फाइट करेंगे यानी कि आपका जो है कितने लोगों के साथ फाइट है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको अगर पसंद आए तो लाइक करना है, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराया जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स की, तो आपका टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो था यानी कि जितने लोगों ने फॉर्म डाला है वह है 42,62,000, यानी कि 42,62,000 से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म डाला है। और आपकी अगर हम टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज की बात करें तो 1817 थी। तो दोस्तों, जब आप 42,62,000 को 1817 से भागा दीजिएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2345 पॉइंट समथिंग आता है, यानी कि एक सीट पर लगभग 2345 से ज़्यादा बच्चे फाइट करेंगे। हालांकि एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ बच्चे अब्सेंट ज़रूर होते हैं, तो इस कारण से आप मान सकते हैं कि एक सीट पर 2320 या फिर 2330 बच्चे जो है फाइट करेंगे। तो आपको अपना प्रिपरेशन जो है इस हिसाब से करना है। दोस्तों, अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो आप इसी के हिसाब से जो अपना कट ऑफ भी देख सकते हैं। आपका लगभग जो है, अगर आप UR कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपका कट ऑफ 76 से 86 रहने वाला है। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 72 से 80। दोस्तों, यह नंबर ऑफ वैकेंसीज और जो है टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स जो फिल्ड हुआ है उस हिसाब से यह कट ऑफ डिजाइन किया गया है। दोस्तों, अगर हम EWS की बात करें तो यहाँ पे आपका कट ऑफ 75 से 85 रहेगा और साथ ही SC का जो है 55 से 65 रहने वाला है। दोस्तों, ST का 50 से 60 रहेगा और PW का भी 50 से 60 रहेगा। तो दोस्तों, इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा। दोस्तों, मैंने आपको एग्ज़ाम डेट को लेकर भी एक वीडियो बनाया है, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। साथ ही DRDO में नेगेटिव मार्किंग के क्या रूल्स हैं, इस पर भी मैंने एक वीडियो डाल रखा है। तो आप जब यूट्यूब पर सर्च करिएगा DRDO में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं हिंदी में लिख कर, तो आपको जो है सबसे पहला मेरा ही वीडियो दिखेगा, तो उसे आप देख सकते हैं या फिर मेरे चैनल पर जाके ढूंढ लीजिएगा, या नहीं तो मैं जो यहाँ पे इंड स्क्रीन में भी सेट कर देता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।